नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था कि मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बने तो ये देश के लिए बेहद घातक होगा। आपको यकीन नहीं हुआ होगा, अंधभक्तों ने तो जमकर खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया कि मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह बोल रहे हैं मोदी पर, राष्ट्रवादी मोदी। मोदी ने जब कहा मनमोहन सिंह को लेकर के कि रेनकोट नहाकर पहन के नहाते थे प्रधानमंत्री, आपको मजा आ गया होगा। रेनकोट पहन के भी अगर मनमोहन सिंह नहाते थे ना, तो कम से कम आंसुओं की बारिश तो नहीं देख पाते थे। रुला दिया इन्होंने आपके मोदी जी ने। एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो, 1.25 मिनट का वीडियो, कल रात से वायरल हो रहा है। मैं सोचते सोचते वीडियो लाऊं ना लाऊं, लेकिन मैं सोचा कि ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो को देख करके आप अपना लिटमस टेस्ट जैसे होता है ना, खुद को चेक करिए, चेक करिए कि आपके अंदर इंसानियत, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें नम नहीं हुई तो आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको इलाज की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर से मानवीय संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं, आप इंसान नहीं रहे हैं। ये वीडियो एक सब्जी बेचने वाले का है। वो सब्जी बेचने वाला इकलौता सब्जी बेचने वाला नहीं है। इस सब्जी बेचने वाले को कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, एनसीपी ने, टीएमसी ने, आरजेडी ने, किसी ने नहीं भेजा है। इसने भी बड़े जोशो खरोश से इस देश को बनाने के लिए मोदी जी को वोट दिया होगा। इस देश के लाखों सब्जी बेचने वाले गरीब और हमारे जैसे मध्यम वर्गीय, ये हर आदमी, इसकी जो आंसू है ना, ये हर आदमी की आंसू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए मोदी जी तो नहीं तैयार है, मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन इस गरीब के आंसू इस देश के हर आम आदमी, करोड़ों आम आदमी के आंख के आंसू का, अंतर्मन की पीड़ा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये लल्लन टॉप के रिपोर्टर ने रिपोर्ट की है, और लल्लन टॉप के ही सौजन्य से, कर्टसी से मैं आपको इस वीडियो को सुना रहा हूं। पहले वीडियो आप सुनिए और फिर इस वीडियो पे हम बात करेंगे। टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब वहाँ जाके क्या भाव बिके, क्या भाव ना बिके, फिर हमें घाटा लग जाता है। जैसे मंदा अगर ढीला भी हो जाए या कुछ हो जाता है जैसे टमाटर, तो फिर घाटा लग जाता है, फिर हमें पेट गुजारा नहीं हो पाता। और गुजारा करने के लिए तो कुछ भी मिले सब, यानी सारी चीज़ें ही कुल मिला के महंगी हैं। जो भी चीज़ लेने जाओ वही महंगी है। अब हम यानी इतनी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। सुबह में किनके, अपने बेटे के साथ आए थे आप? कोई बात नहीं, हमारी गुजर नहीं हो रही। कहाँ से आए हैं आप, कहाँ रहते हैं? जहांगीरपुरी। जहांगीरपुरी में रहते हैं? यहाँ दिल्ली में किराए पर रहते हैं। कितना किराया? 4,000। और कमाई? कमाई का तो 100 रुपये का भी हिल्ला नहीं, 100 रुपये भी, 100-200 रुपये भी टाट पड़ रहा है। देखा आपने, सब्जी की ठेली खाली है लेकिन आंखों में आंसू भरपूर है। ये आंसू देखने वाला कौन है? किसको है फुर्सत इन आंसुओं को देखने का? मणिपुर 90 दिन होने वाले हैं, वहां झांकने की जिसे फुर्सत नहीं है, एक सब्जी वाले के आंसुओं को क्यों देखेगा भाई, क्यों देखेगा? अंधभक्त तालियां बजा रहे हैं। आपने सुना 100 रुपए रोज कमाना, 4,000 रुपए, ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा शब्दों में मैं भी अपने काबू नहीं रख पा रहा हूं।
4,000 रुपये किराए पर एक घर लेकर के रहता है, जहांगीरपुरी इलाका है दिल्ली में, वहां पर 100 रुपये कमाना भारी पड़ गया है, यानी किराया देना मुश्किल हो गया है कमाई से। क्या खाएगा आदमी, क्या बचाएगा, कैसे बच्चों को पालेगा, परिवार है, परिवार कैसे चलेगा। ये सिर्फ एक आदमी की पीड़ा नहीं है, देश का मैं दावे से कह सकता हूं 90% से ज्यादा आबादी देश की, 90% से ज्यादा लोग आज की तारीख में इसी दौर से गुजर रहे हैं, इसी संकट से गुजर रहे हैं। लेकिन रोज एक डोज भक्ति का, एक डोज सुबह सुबह दिया जाता है, दिन भर उसी में आप ताली बजाते रहिए। भूखे इंसान को भूख से भटकाने के लिए उसे किसी उन्मादी काम में लगाना पड़ता है, यही हो रहा है। खैर चलिए, इस वीडियो में ज्यादा कुछ कहने की मेरे पास गुंजाइश नहीं है, शब्द नहीं है, इस वीडियो में बस इतना ही।